यार बहुत समय बीत चुका था और कोरियन ड्रामा से कुछ अच्छा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, जब से मैंने मनी हाइस्ट देखी थी तो मेरा दिमाग तो और भी ज्यादा खराब था कोरियन ड्रामा की तरफ से। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपने लाख काम भी अच्छी किए हो और एक काम बर्बाद कर दिया हो तो उस एक काम की बदौलत शायद आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। लेकिन यार नेटफ्लिक्स पर आई हुई कार्टर ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। अब यार कार्टर में ऐसा क्या खास है, आइए जानते हैं दोस्तों इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में। अब शहर में दोस्तों एक बहुत ही जानलेवा वायरस आ चुका है जिसका नाम है DMZ। बहुत से लोग हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। US और नॉर्थ कोरिया लगे हुए इस वायरस का कैसे भी कर वैक्सीन ढूंढने के चक्कर में। अब भाई दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है कार्टर नामक एक इंसान से, और उन सब में दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई इस व्यक्ति के पास अपनी पुरानी मेमोरीज का कोई भी कलेक्शन नहीं है। कौन है ये, कहां से आया है और ये जगह पर कैसे आया, बस उसके हेड में एक मिस्टीरियस डिवाइस को फिक्स कर दिया गया है जो कि उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें अब ये काम करना है, अब ये वो काम करना है। अब दोस्तों पर कार्टर चाहकर भी अपना मिशन को अबॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर उसके माउथ में एक बॉम्ब को भी फिक्स कर दिया गया है। अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका ये मिशन करना बहुत बड़ी मजबूरी बन जाता है। अब भाई दोस्तों इस मिस्टीरियस ऑपरेशन के चलते हुए यहाँ पर CIA और नॉर्थ कोरिया कॉप उसका पीछा कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन सारी चीजों का जवाब दोस्तों आपको कार्टर मूवी में मिलने वाला। बाकी यार दोस्तों अगर आपने एक्सट्रैक्शन या फैमिली मैन देखी होगी तो आपको एक सीन तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा जिसको कहते हैं वन शॉट सीन। दोस्तों ये जो फिल्म है वो शुरू से एक शॉट में ही चालू होती है और एक शॉट में ही खत्म होती है। कहने का मतलब दोस्तों ये जो 2 घंटे की फिल्म है ये वन शॉट मूवी है। लेकिन यार अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में बात करूं तो ट्रांजिशन और कई इफेक्ट्स का यूज कर हमको इस तरीके से उल्लू बनाया गया है कि हमको ये वन शॉट लग रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट पकड़ में भी आ जाता है, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाने वाला है। बाकी यार फिल्म का एक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक बार तो भाई ऐसा लगने लगेगा कि ये John Wick 4 देख रहे हो आप। मतलब यार बहुत हार्ड लेवल का एक्शन बताया गया है इस फिल्म में। आखिरी बार दोस्तों इस लेवल के एक्शन सीन्स मैंने कोरियन सीरीज माय नेम में देखे हुए थे। बाकी यार आप लोगों को खून खराबा देखने की ज्यादा स्क्रीन पर आदत नहीं है तो भाई इस फिल्म से बहुत दूर रहना क्योंकि भाई इसमें ब्रूटिलिटी इस लेवल की बताई गई है ना कि भाई मैं क्या ही बोलूं आपसे। बाकी यार फिल्म का कैमरा वर्क मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी दोस्तों आपको ऐसा हो सकता है कि मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यार इस फिल्म में कैमरा वर्क बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का ही है। एक पल के लिए दोस्तों आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कि यहाँ पर कोई कट सीन्स नहीं है, सिर्फ एक्शन ही एक्शन। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैड मैक्स फ्यूरी रोड में पूरे तरीके से एक्शन भरा हुआ था और पूरी फिल्म भरी यहाँ पर हमको व्हीकल्स के थ्रू जो एक्शन सीन्स बताए गए थे उसकी ही थोड़ी झलक सी देखने को मिल जाएगी आपको इस फिल्म में। बाकी हाँ यार इस फिल्म की एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगी कि भाई जो कुछ भी है सब कुछ खुला है। कहने का मतलब भाई यहाँ पर नेकेड सीन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, तो भाई गलती से भी अपने पेरेंट्स के साथ इसको देखने की गलती मत करना। हालांकि दोस्तों वो जो सीन्स है वो शुरू में ही है, बाद में देखने को आपको नहीं मिलने वाले। और यही दोस्तों एक जो चीज है इस फिल्म को मास्टरपीस बनाने से रोक लेती है, इस फिल्म को आप बार बार नहीं देख सकते। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के लीड एक्टर ने अपनी तरफ से पूरा अच्छा ट्राई किया है जिनका नाम है Jovan। उन्होंने दोस्तों अपने काम में किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ी है, मतलब मुझे तो नहीं लगा कि कुछ भी तरीके की कमी है इनके एक्सप्रेशंस में या रोल में। बाकी यार जाते इस फिल्म की एक बुराई में और करूंगा, यहाँ पर दोस्तों इसके जो CGI सीन्स हैं वो कई बार पकड़ाई में आ जाते हैं स्क्रीन पर, और दोस्तों जब आप इस सीन को देखने जाओगे तो आपको एक्चुअल में वो चीजें पकड़ाई में आ जाने वाली है। बाकी यार स्टोरी लाइन जितनी सीधे आपको दिख रही है एक्चुअल में उतनी है नहीं, वो तो दोस्तों मेरे बताने का तरीका है ताकि आपको अच्छा लगे। बचपन से ये टैलेंट था यार, मैंने कभी घमंड नहीं किया। तो ऑल ओवर सिनेमा की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार्स। एक स्टार दोस्तों यहाँ पर कटने वाला है फिल्म की कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन के कारण क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जितनी सीधी दिख रही उतनी सीधी है नहीं। एक स्टार दोस्तों और कटने वाला है यहाँ पर VFX और CGI की तरफ से जो कि यार फिल्म में अगर ढंग का ना हो तो पर्सनली भाई मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। बाकी हाँ यार आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक सिद्धासु वीडियो में। तब तक के लिए बाय।